महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर महाविकास अघाड़ी सरकार की बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। पहले उद्धव सरकार पुरजोर कोशिश करती रही है कि मामला सीबीआई को न सौंपा जाए, हालांकि उद्धव ठाकरे की एक न चली और सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब महाविकास अघाड़ी सरकार सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर रही है। सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार चौतरफा घिरी है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अटपटा ट्वीट किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कि हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल रहा है कि राउत का इशारा किसकी ओर है, लेकिन माना जा रहा है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच को लेकर ही ये ट्वीट किया गया है। संजय राउत ने ट्वीट किया है, उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करें, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। जय महाराष्ट्र। शिवसेना सांसद संजय राउत सुशांत मामले पर शुरू से ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों को लेकर सुशांत के परिवार ने भी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि कल राउत थोड़े खामोश जरूर दिखे, लेकिन एक बार फिर ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया है। संजय राउत से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सुशांत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने पर टिप्पणी की थी। शरद पवार ने कहा कि वो आशा करते हैं कि इस केस का हाल नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह न हो जाए, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। इस मामले में एक दिन पहले सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कानून सबसे ऊपर है। हालांकि सुशांत केस सीबीआई के लिए भी नाक की लड़ाई बन गई है। देखना होगा कि सीबीआई इस केस को कितना जल्दी सुलझाकर सुशांत के परिवार और 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।